हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी की सेवा निवृत्ति पर अगर आप बहुत ही अच्छे भाव भरे शब्द बोलते हो तो दिलों को जीत लेते हो, और विदा होने वाले को भी बहुत ही प्रसन्नता होती है क्योंकि उसका परिवार होता है। हर व्यक्ति के सम्मान उसको चाहिए, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक भाव होता है कि मैं भी कुछ हूं, तो ऐसा जो महत्व है जब उसको सम्मान मिलता है तो उसको महसूस होता है। मानवीय मूल्यों का हम लोग सम्मान करें और रिटायरमेंट की पार्टी पर हम लोग अच्छा सा एक स्पीच तैयार करें। कैसे करें? देखिए, मैं स्पीच लिख के देता हूं, आप लोग लिखा हुआ बोलते हैं, थोड़ा सा माइंड के ऊपर आप काम करें। आप कोई भी व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो उसकी कुछ क्वालिटीज देखो, उसके अंदर डिसक्वालिटी भी होती है, कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन आप उनकी जो खास बातें हैं वो नोट कर लीजिए और आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद उसके परिवार के लोग आते हैं, कुछ बातें कॉमन है। मंच पर बोलिए कि सबसे पहले आज के शुभ दिन की मैं आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में से कैसी पर्सनैलिटी आज विदा हो रही है, आज उन्होंने अपना जो सेवा काल है जिसमें बहुत ही अच्छे से कार्य किया और बहुत ही मधुर स्वभाव, और अब जैसे कईयों का मधुर स्वभाव नहीं होता तो उनकी क्वालिटी कोई और बता दीजिए। आपको लगता है कि जैसे वो वर्कहोलिक थे, यानी कि काम बहुत करते थे, अपना कार्य टाइम पे करते थे, तो समय के पाबंद एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका काम करने का तरीका है वो हमें एक मार्गदर्शन देकर जा रहा है। हम लोग इनको हार्दिक दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं इनके परिवार को भी कि सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और जीवन के जो भी सुनहरी पल हैं, ये बात आप जरूर कहें कि 60 वर्ष की बात के बाद सुनहरी पल होते हैं, क्योंकि जब एक सेवा काल से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति तो उसको अपने घर में पोते पोती के साथ खुशियां मनाना, पूरे परिवार में रहना एक समय मिलता है, तो एक सुनहरी पल है। इन सुनहरी पलों को ऐसा बिताएं कि इनको हमेशा खुशियां मिले, कि शामो शहर खुशियों का तराना रहे, कुछ भी हो मुस्कुराने का बहाना रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर पल आपकी खुशियों का दीवाना रहे। हम लोग इसी तरह से एक दूसरे से प्यार से बिछुड़ते रहें, मोहब्बत से बिछुड़ते रहें, कि जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। हमारे सर, हमारे माननीय सर या कोई कर्मचारी है, इन्होंने हमेशा सेवा भाव से कार्य किया है और इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी, सबसे बड़ा जो गुण मैंने देखा, ये बात अगर आप रिटायरमेंट में बता देते हो तो मैं कहता हूं कि आप एक बात में दिल जीत लेते हो कि एक क्वालिटी उनकी फैमिली के सामने, उनके परिवार के लोग बैठे हैं वहां पर, मान लेते लोग कि एक उनकी क्वालिटी है कि वो जब भी भोजन करते हैं अकेले नहीं करते थे, तो वो जब कार्यकाल में साथ थे तो अकेले नहीं करते थे। आप ये बोल सकते हैं कि सर का मैंने एक जो खास बात इनकी देखी थी, कभी भी ये भोजन जब करते थे सभी में बैठ के करते थे, मिल बांट कर खाते थे, तो ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी। और असल में क्या होता है कि ये जो है एक हमारे संस्कार है और पारिवारिक संस्कार इनके इतने मजबूत, इतने अच्छे कि आज जो है हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को कहते हुए कि ऐसे गुणी व्यक्ति हमारे साथ रहे। तो ये इस तरह की बातें अगर रिटायरमेंट में आप कहते हो तो बहुत ही अच्छा आपका भाषण होगा। ब्लेसिंग दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। दोस्तों, आपका धन्यवाद। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के लिए मंच संचालन आपको करना है, एक अच्छा एंकर बनना है, होस्टर बनना है, अगर आपको राजनीतिक वक्ता बनना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।